अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट बासिर हाशमी, और आपसे वादा किया था कि वीडियो को जारी और सारी रखेंगे। और ये मैं कद्दू साथ जो है अदीब इनका नाम है, उनका शॉप देखने आया हूँ, और दीगर खलीफा और उस्ताद वगैरह से भी आपको मिलवाऊँगा, और इनके कबूतरों से भी रूबरू करवाऊँगा। तो पहले हम मिलते हैं, ये इनसे मुलाकात हो गई थी आपकी, जैन भाई वजीर उस्ताद के बेटे हैं, और ये हैं हमारे आरिफ भाई, सलाम वालेकुम। ये जौहर में शॉप करते हैं आरिफ भाई, कैसे हम सही से। ये हैं जुनेद, ये जुनेद भाई हैं। जुनेद भाई आप कहाँ से शॉप करते हैं? इसी छत से शॉप करते हैं। ये इलाका कौन सा है? रोशन बाग। रोशन बाग का ये इलाका है दोस्तों। और ये हैं हमारे कद्दू उस्ताद। उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद जी कैसे हैं? उस्ताद जी आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी, कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था, आज फाइनली आपसे मुलाकात हो गई है। हमारे देखने वालों को बताएंगे कि आप किस तरह का कबूतर पसंद करते हैं और कैसा साज रखना पसंद करते हैं? बहुत वीआईपी कबूतर रखना पसंद है। अच्छा, अरे ये बच्चे भी हैं दोस्तों इधर, तो थोड़ा सा इसके लिए माजरत। हाँ अच्छा, सबस परे पसंद करते हैं? सबस परे, कागरे, लाल डंडे, रंगीन भी। अच्छा, इतने गुलाबी हमारे पास है ना, कागज में कराची में नहीं है। अच्छा, गुलाबी गुलाबी है ना हमारे पास। अच्छा अच्छा, तो वो कराची में हैदराबाद में भी नहीं है इतने गुलाबी। अच्छा अच्छा, हमने जमा कराई। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये जो ये रंगीन कबूतर है सामने, अच्छा ये जमा कर रहे हैं हम। अच्छा, हमारा यहाँ बोगड़ा में कम से कम 1000-1200 कबूतर करने का। 1000-1200 कबूतर करने का। दोस्तों इस छत पे जो मैं वीडियो आपको पूरी दिखाऊंगा कवरिंग करके, जिस छत के ऊपर चल रही है लड़ैया, तो ये कबूतर जब आप देखेंगे और कबूतरों की तादाद और पिंजरे का किस तरह लाइन से बने हुए और रख रखाव देखेंगे, तो आप लोग को अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से शौक हो रहा है। अच्छा उस्ताद जी, हमारे देखने वालों को बताएंगे कि आपको उस्तादी का शर्फ कब हासिल हुआ, कितनी उम्र थी आपकी? मेरी उम्र थी तकरीबन 55 साल। 55 साल की उम्र में आपको उस्तादी का शर्फ हासिल हुआ। दोस्तों यानी बहुत हमारे सीनियर हैं ये, हमारे बड़े, और हम इनसे इनकी शागिर्दी मैंने ऐसी करी जो हिंदुस्तान पाकिस्तान में कोई कर नहीं सकता। अच्छा माशाल्लाह, और हमारे दोस्तों को बताएंगे कि वो मतलब कैसी उस्तादी शागिर्दी थी? शागिर्दी बहुत वीआईपी करी थी मैंने, शादी हाल में। अच्छा शादी हाल में की थी दोस्तों? अच्छा 600 आदमी का खाना करा था वहाँ पर। अच्छा 600 आदमी का खाना करा था, सही, ज़बरदस्त माशाल्लाह। और दे दूँ आपको वीडियो, वो भी डाल दूँ। अच्छा वीडियो आपने बनाई है दोस्तों, इंशाल्लाह फिर इनसे मैं वीडियो लेके आपको वो अपने चैनल के थ्रू दिखाऊँगा कि जो उस्तादी शागिर्दी हुई थी वो किस नौयत। खलीफा मैंने किसी को नहीं करा। अच्छा, सिर्फ अपने बच्चों को करा उस्ताद शागिर्द। अच्छा, मैंने ऐलान कर दिया था भाई मैं किसी को शागिर्द खलीफा नहीं बनाऊंगा। अच्छा हाँ, मैं अपने बच्चों को बनाऊंगा। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, और मैंने वीडियो में देखा भी, और आपके जो घर का कबूतर था तो वो रख रखाव के साथ साथ कबूतरों का साज भी माशाल्लाह बहुत उम्दा रखा हुआ था, देखने वाला था। तो उस्ताद जी आखिर में हमारे दोस्तों को कोई पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि मैंने देखा इस शौक में लड़ाई झगड़ा बहुत है, इस हिसाब से कोई पैगाम देना चाहिए? हाँ मतलब ये है कि पहले दोस्ती करते हैं, तो ये कबूतरों के चक्कर में लड़ाई झगड़ा जाता है। अच्छा हाँ बिल्कुल, तो देखो ना लड़ाई तो कोई दुश्मनी थोड़ी है, शौक है ये, समझे ना। और आप क्या कहते हैं, जिस तरह रात में बैठा हुआ था तो माशाल्लाह आपने 400 कबूतर लड़ाया, और सामने वाली पार्टी भी बिल्कुल आपके साथ बैठी हुई थी, हंसी मजाक हो रहा था, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी ये बात कि शौक था आप लोगों ने, शौक की शौक छत की। मैंने तो कोई 27-28 कबूतर लड़ाई है भाई, 27-28 माशाल्लाह। दो तो अभी ये सारे नए कबूतर खोले, ये भी नए, वो भी नए, वार्डन में भी खोले कबूतर। अच्छा, हमारे 4-5 कबूतर कम हुए, 40 कबूतर हमने मारे वहाँ पर। अच्छा अच्छा अच्छा, उनसे बात हुई थी हमारी 200 उड़ाने की, इन्होंने लड़ाई नहीं। अच्छा, सड़ हुए नत्ते भूले दिल के अंदर, चलो भी जैसे लड़ा रहे लड़ाओ, कोई मसला नहीं, लड़ाओ। अच्छा शौक करो। अच्छा अच्छा, तो हमारे दोस्तों को मैं ये बताना चाहूँ कि ये 3-4 छतें जो हैं ये उस्ताद की सिर निगरानी है, और ये राजा भाई की छत है, राजा भाई की छत है, राजा भाई की छत है ये, तो नए कबूतर करें हमने सारे। अच्छा ये जो अभी मैं दोस्तों आपको वीडियो के जो लास्ट में दिखाऊंगा कि साज जो है इन्होंने तकरीबन सारा नया छोड़ा है। अरे भाई दावे दो, ये अब दावे देने का शुरू भाई दावे दो। और ये है हमारे नासिर भाई, नासिर ये हमारे नासिर भाई, नासिर भाई कहाँ से शौक करते हैं? इमरान का खलीफा हूँ, पहाड़गंज वाले, इमरान पहाड़गंज वाले उनके खलीफा वाले, और एक ही ग्रुप है हमारा। अच्छा इमरान पहाड़गंज वाले का खलीफा,
इमरान निहारी वाले हैं जिनका मैंने इंटरव्यू भी लिया था, वीडियो भी डाली थी। इनका शागिर्द इमरान नाज़िया का खलीफा हूं मैं पालगंज। अच्छा, एक उड़िया लाल में मैं तो बड़ा का। अच्छा, उनके खलीफा ही इनके भी शौक से आपको रूबरू कराएंगे। और ये हैं हमारे, ये इनका नाम क्या बताया था? राजा भाई। ये इनकी छत है राजा भाई। और ये देखिए आप दाना डालने ही कबूतरों, ये जो है ये पारे भाई हैं। ये पारे भाई हैं। पारा आपका नाम है या आप वैसे नाम क्या है? वैसे पारे के नाम से मशहूर है ये कराची में। और इनका भी साथ आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। और बहुत शुक्रिया आप आपसे मिलके। और दोस्तों अब मैं आप लोगों को जो है ना कबूतर दिखाऊंगा, और कबूतर देखिएगा आप, और आप लोगों को इंशाल्लाह पसंद आएंगे कबूतर। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस शौक को बढ़ावा दें। सबसे बड़ी बात, इस शौक को बढ़ावा दें, और आपसी जो रंजिश हैं उनको पसंद करें। थैंक यू। अच्छा दोस्तों, ये कबूतर हैं जो कि नए हैं, देसी कटे। सौ लालबन है। हाँ, बाकी देसी हैं, जंगले बबरे रंगीन है, मेहनत आगे चांद बना हुआ, सारे देसी कबूतर हैं। अच्छा कद्दूस साहब, ये कितने कबूतर हैं टोटल? ये 230 हैं। 230 कबूतर हैं दोस्तों। ये दाना खा रहे हैं। असल में हम लोग लेट पहुँचे हैं, ये अब तावो का टाइम हो गया इनके। कराची में ट्रैफिक इतना जाम है। भाई 3000 रुपए के भी कबूतर नहीं मिलेंगे। ये लोग छत्ते आओ ना, 100 कबूतरों में किसी में 5 है, किसी में 6 है, किसी में 2 है। काबरा भी है इसके अंदर। 800 कबूतर हैं भाई हमारे पास। अच्छा, अभी यहाँ मौजूद ना ये इस छत पे। हाँ दोस्तों, इस छत पे 800 कबूतर हैं। इनका प्रोग्राम है कम से कम 1200-1300 कबूतर करने का। राजा भाई का, राजा भाई हैं ये, 1200 कबूतर करने का प्रोग्राम रखते हैं। और पूरा है इसके लिए माशाल्लाह, बहुत अच्छा साज है इनका। और ये सामने रंगीन है ना ये? हाँ, वो रंगीन है। हमें ये कबूतर 3000 रुपए के पड़े हैं। हम जैसे टुकड़ी लेके आए ना, नीचे के बेच दिए हम 2000 के लाए, 1000 के बेच दिए, 900 के बेच दिए। अच्छा, ये हमने छाट के। और ये कम से कम 1 महीने के कबूतर हैं ये, आप देख लो कैसा ऑनलाइन लग रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरा पानी दिखा दे। अच्छा मैक पाई भी है इसके अंदर? हाँ, मैक पाई भी है। दो हैं, एक गरम काबरा है, गुलाबी पटेज है, एक काला पटेज है। ये उस्ताद दाना डाल लें। अच्छा, ये भी वैल्यू रखता है, एक उम्र और एक साइज, ये सब जवान खास है। अच्छा दोस्तों, ये हरे जाल जो देख रहे हैं ना आप सामने, इसके अंदर रंगीन बंद है। ये अभी नए बनाए हमने, इसमें भी पदमाशें नहीं बनी है। अच्छा, पदमाशें बन जाएंगी ना। हाँ, इसमें कबूतर छुड़ेंगे, कबूतर लिए हुए हमने। अच्छा 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 अच्छा, एक में उन्नाबी आएंगे, एक में उन्नाबी कलर, एक में ब्लैक काला कलर आएगा। अच्छा, आएंगे एक में ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप बंद किए हैं, अभी खुलेंगे, अभी 400 कबूतर है। अच्छा अच्छा, ये सामने दोस्तों ये दो जाल हैं, 400 कबूतर, इनमें 400 कबूतर हैं, और ये अभी खुलेंगे, अभी खुले नहीं है। इनमें गुलाबी है, कम से कम 200 गुलाबी घेरे हैं। हाँ, 200 गुलाबी हैं इनमें, और बाकी बनारसी घाघरे बहुत अच्छे गंडों के। अच्छा अच्छा अच्छा, बनारसी घाघरे इनमें कम से कम 1 महीना हुए कबूतर लाए हुए ना, सब नए कबूतर हैं। सही सही सही। नासिर भाई, हमें रंगीनों के पास लेके चलेंगे थोड़ा। आए राजा भाई, आप आएँ राजा भाई, हमें बताएंगे कि मूवी बना लें। हाँ, मूवी बना लें। रंगीन ब्लैक, सारे ब्लैक, ये सब काले का जाली आ रही है बीच में। ये सारा इन्होंने ब्लैक साज बनाया हुआ है, काबरे भी हैं इसके अंदर, काले मैनादार हैं, खाल हैं, काले मैनादार, खाल, काले देसी भी है ना? काले देसी भी है, इनमें अभी कबूतर लिए हैं। अच्छा, कम से कम 200 काले करेंगे। अच्छा 200 काले करेंगे, 200 काले करेंगे ये दोस्तों। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त।
अच्छा ये कबूतर देखें पूरा वाइट है दोस्तों, और वाइट पर पे जो है ना ब्लैक गंडे हैं इसके। अरे भाई पकड़ के दिखाएंगे, इधर मैना दाग है गंडे दाग। अच्छा मैना दाग कबूतर, मैना दाग कबूतर है बना हुआ। ये पूरा ब्लैक था पहले, पूरा ब्लैक था इसको बनाया गया। अच्छा अच्छा अच्छा, दोनों बाजू में गंडे आएगा मैदुम बना हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, पूरा नीचे से पूरा वाइट है। हाँ सिर्फ बना हुआ है। सही सही सही, एक ये मैना दाग है। सही सही सही, ये भी मैना दाग है। अच्छा अच्छा, ग्रे मैना दाग है। सही 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 सही, ये मैना दाग गंडे दाग है। ये काबरा दिखाएंगे, काबरा हमारे दोस्त कुछ काबरों को भी शौकीन है उनके लिए। ये कौन सा काबरा है? ये गुलियर काबरा कहलाता है। ये गुलियर काबरा है दोस्तों। सही है, ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। ये गुलियर चप कहलाता है। गुलियर चप शिराजी है। गुलियर शिराजी चप। हाँ शिराजी चप कहलाता है। गुलियर शिराजी चप है ये। बागी खाल हैं, काले जोगिया हैं, मैना दाग बने हुए हैं। सही सही सही, ये कौन सा कबूतर कहलाएगा? ये खाल कहलाएगा। ये खाल, ये काला खाल कहलाएगा। काला खाल, जबरदस्त। ये हार बना हुआ है, मैना दाग हार बना हुआ। मैना दाग हार बना हुआ दोस्तों, गंडे दाग मैना दाग हार बना हुआ, जबरदस्त।